आपका घर जो घर तोड़ा था उसमें आपको नोटिस वगैरह कुछ मिला कुछ था? नहीं मिला सर, कुछ नहीं मिला। हमें मालूम भी नहीं भैया कि नोटिस आई कि नहीं आई, कोई चीज की जानकारी नहीं मिली। न सरपंच ने बताया, न मेंबर ने, न सचिव ने, किसी ने नहीं बताया। और रात में पुलिस आई, सवेरे बुलडोजर लगा के घर तोड़ दिए। इल्जाम है सब अपना, मुर्गी मुर्गा बकरा बकरी अपना ये खरीदते हैं, और मुर्दारी हड्डी जैसे मरे हुए मवेशियों की हड्डी गुड्डी लाते हैं और बेचते रहे। टूट गया तो किसके करें खाएंगे? मंग के खा लेते हैं, उन्हें घर में मंग लेते हैं, उन्हीं घर में मंग लेते हैं। थोड़ा देव भाई खाना तो कहाँ बनाए, किधर बनाएंगे? ये तो सब बंद बन हो गया, सब दब गया, तो क्या बनाए। 2 days after 11 homes were demolished following a crackdown on cattle smuggling in Madhya Pradesh's tribal majority Mandla district, the Indian Express visited Paiswai village of Nainpur and spoke to the residents. तो अपने घर कैसे बनाया? अपने खुद का लोन वगैरह एक बार देके करवाया यहाँ पर? लोन नहीं मिला जी, अपने पास ही से बनाया था। अच्छा, आपको कोई नोटिस वगैरह कुछ भी इशू दिया इन्होंने? जी नहीं दिया हमको नोटिस वगैरह, कुछ नहीं मिली जी। अभी आप कैसे अपना गुजारा कर रही हैं यहाँ घर टूट गया? कैसे करें, टूट गया तो किसके करें खाएंगे? मंग के खा लेते हैं, उन्हें घर में मंग लेते हैं, उन्हीं घर में मंग लेते हैं। थोड़ा देव भाई खाना तो कहाँ बनाए, किधर बनाएंगे? ये तो सब बंद बन हो गया, सब दब गया, तो क्या बनाए। The Madhya Pradesh government had demolished the houses built on government land after police claimed to have found beef, animal hides and bovine skeletal remains there. पुलिस वाले कह रहे थे काफी कुछ बरामद करके गए आपके घर से, कुछ भी आपको लग रहा है कि यहाँ से हुआ है? इल्जाम है सब अपना, मुर्गी मुर्गा बकरा बकरी अपना ये खरीदते हैं, और मुर्दारी हड्डी जैसे मरे हुए मवेशियों की हड्डी गुड्डी लाते हैं और बेचते रहे, मतलब यही है। और जैसे बकरा बकरी मिल गए तो उसका भी कर लिए, मुर्गी मुर्गा के भी कर लिए, जैसे जो मिल गया अपने को वही करना है, उसी से काम चलाना है। Authorities have said they had served notices in the past, however, the locals deny. अच्छा, आपका घर जो घर तोड़ा था उसमें आपको नोटिस वगैरह कुछ मिला था? कुछ नहीं मिला सर, कुछ नहीं मिला। हमें मालूम भी नहीं भैया कि नोटिस आई कि नहीं आई, कोई चीज की जानकारी नहीं मिली। न सरपंच ने बताया, न मेंबर ने, न सचिव ने, किसी ने नहीं बताया। और रात में पुलिस आई, सवेरे बुलडोजर लगा के घर तोड़ दिए। पूरी रात दंदोर हुआ, उसके बाद में तो सवेरे बुलडोजर लगा के घर गिरा दिए। किसी का सामान दब गया, किसी का खाने पीने का दब गया, कोई किसी ने निकाला, किसी ने नहीं निकाला, किसी को निकालने दिए, किसी को नहीं निकालने दिया, ऐसा हुआ है सर। बाल बच्चे ऐसे तड़प रहे हैं, ऐसे रो रहे, दो दो तीन तीन दिन से भूखे प्यासे। मेरा दरवाजा खुला था, मेरी लड़की अकेली थी, मैं कुरान शरीफ पढ़ रही थी, वैसे ही छोड़ के गई हूँ। मेरी अलमारी से मेरा पैसा निकल गया 5,000। अच्छा, आपके पैसे चोरी हो गए? और हम तो ऐसा ही गरीब हैं, हम काम में जाते हैं। देखो ना, अभी तो काम ही करके आ रही हूं, ये काम से आ रही हूं। अच्छा, आपका घर नहीं टूटा ना? घर नहीं टूटा है, लेकिन हमारे घर में क्या वजह से घुसे रहे? हमारा आदमी तो ड्राइवर है ना, ऑटो चलाता है। मैं तो मजदूर दल हूँ, मजदूरी करती हूँ, क्या वजह से घुसी रही पुलिस? और मेरी लड़की बताई भी है, पुलिस वाले घुसे हैं तो कि ये बोली है कि मेरे पापा ऑटो के ड्राइवर है, ऑटो चलाते हैं, मेरी अम्मी काम में जाती है। सब पहली मजदूरी करने वाले सब यहाँ सब पहली मजदूरी कर करके खाते पीते हैं।